जो अभी आपने माहौल देखा है वो सगाई का माहौल चल रहा है, जो मेरा बॉयफ्रेंड बना हुआ है, शायना का बॉयफ्रेंड बना हुआ है विकी, उसकी सगाई हमने फिक्स करवाई है गीतू से। दिस इज़ ऑल आर प्लानिंग, जो पीछे से प्लानिंग चल रही है शायना की, तो ताकि जितने भी घर के जेवरात हैं और जो शादी में गिफ्ट्स आते हैं वो सब हम लेकर सीधे यहाँ से इंडिया से बाहर चले जाएँ। लेकिन मीनवाइल जो पूनम है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेती है, और जो कहानियाँ भी आप देख रहे हैं बीच में शायना निकलती है बाहर व्हेन शी इज़ ड्रिंकिंग, तो नीचे उसको नोट मिलता है कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप 50 लाख का अरेंजमेंट कर दो एंड स्टाफ। तो शी इज़ वेरी नाउ डिस्टर्ब, जो वो इन्जॉय नहीं कर पा रही है सगाई। सो द कहानी वॉज ऑल अराउंड दैट। एंड लाइक इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने बहुत मज़े किए, बिकॉज द कोरियोग्राफर वॉज वेरी गुड एंड देन वी डांस्ड इट एंड आई बेसिकली इन्जॉय डांसिंग, तो जो पसीना दिख रहा है ये उसी का है। वी डांस वेरी लाइक बहुत मज़े करके हमने डांस किया एंड वे वेरी टायर्ड। जैसे कि हमने देखा कि राज को ये बात की पता लग गई थी कि कहीं ना कहीं आप इसमें शामिल है, बट वो फ़ोन में कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे, आप उनको अवॉइड कर रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो मीनवाइल ये हुआ था कि विकी जो है वो पूनम के पास गया हुआ, उसको थ्रेट कर रहा है, और शायना को पता है कि ऐसा कोई सीन चल रहा है पीछे, और वो विकी को आगाह करना चाह रही है, बट विकी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो अब जो सामने है उसके राज, तो वो उसी का ही फ़ोन, उसको नहीं देखने के लिए उसको जो भी उससे बन पड़ता है वो कर रही है कि ताकि वो फ़ोन ना देखे वीडियो कॉल पे। सो दिस इज़ द सीन वाज। थैंक यू, कीप वॉचिंग क़यामत से क़यामत तक ऑन 10:30 कलर्स, एंड थैंक यू फॉर शायना एंड विश यू अ ग्रेट डे।